गणपति बिठाते हैं, फिर गणेश पूजा, फिर उसके बाद में करवा चौथ कर रहे हैं तो वरियष्ठी का व्रत, फिर क्या नाम है भैया दूज, दीपावली, मतलब फिर तो पूरे त्योहारों की लड़ी लग जाती है। तो कहने का मतलब है जब तीज आती है तो इट इज अ बिगनिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां बिखेरती है, सबके हाथों पर मेहंदी लगती है और लगाना भी चाहिए। मेहंदी भी बहुत सारी ऐसी साइंटिफिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजों का प्रूफ है, ये जब हम रेड कलर के हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है और जब सबको खुद को अच्छा लगता है, जैसे हम अगर सुंदर कपड़े पहनते हैं, कुछ नए आउटफिट जब हम पहनते हैं तो उस दिन हमारा कुछ अपना अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हमें खुद को अच्छा लगता है, खुद में प्राउड फील होता है। द सेम केस विद द हिना, इफ यू अप्लाई हिना ऑन योर हैंड्स तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि डेवलप होता है। और रेड कलर तो वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी के लिए, दिस कलर इज फुल ऑफ एनर्जी, रेड कलर जो होता है ना इसीलिए रेड कलर का तिलक लगाते हैं। इसीलिए क्या होता है जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो मम्मी घर में क्या कहती है, देख ब्लैक या ब्लू कपड़े नहीं पहने, कैसे कलर के कपड़े पहने हैं, रेड या ग्रीन, ऑरेंज रेड ग्रीन, तो ये सब कौन से कलर होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो कल आप सभी को और आज के लिए तो सिंधारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे हरियाणा में जैसे कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो हरियाणा के ट्रेडिशन के बारे में आई थिंक नहीं जानते, बच्चे भी ऐसे होंगे, हमारे यहाँ कोथली का एक रिवाज है, कोथली बोलते हैं, कोथली जानते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है, शाबाश क्या होता है, ऐसा होता है सावन का महीना जब शुरू होता है तो भाई अपनी बहन के घर जाता है और वो भी श्रृंगार के समान, ये हमारे यहाँ घेवर एक होता है, एक तो होता है सफेद रंग का घेवर, घेवर है कुछ भी खाने पीने का सामान, साड़ी श्रृंगार का सामान बहन के लिए लेके जाता है और सब इस दिन के लिए वेट करते हैं। तो ये कोथली होती है और उसके बाद में फिर तीज होती है, तीज के दिन पे वैसे ही मैंने आपको बताया पकवान बनते हैं और